स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज के अगले वीडियोस में आपका स्वागत है। सो वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास के आज के इस सीरीज का अगला वीडियो। आज हम लोग देखेंगे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा रिलीज किया गया। विंडोज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट इज सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ने रिलीज किया है और हालांकि इसके बाद और 3 वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हुए हैं, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10। अभी लेटेस्ट में विंडोज का 10 वर्जन चल रहा है, बट हम लोग आज बात करने वाले हैं विंडोज 7 के बारे में। ये बहुत ही पॉपुलर वर्जन है, एक्सपी के बाद ये बहुत पॉपुलर वर्जन रहा। इससे पहले विस्टा रिलीज हुआ था और विस्टा के बाद ये विंडोज 7 जो कि मोस्ट पॉपुलर वर्जन है। एक्सपी इससे पहले बहुत पॉपुलर हुआ था। इस वर्जन के कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग आज अभी देखेंगे। ये इसमें जैसे हम लोग डेस्कटॉप क्या होता है, वॉलपेपर्स क्या होते हैं, माय कंप्यूटर क्या होता है, ये सारी चीजों को अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आगे की वीडियोस में हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पहले डेस्कटॉप के बारे में और वॉलपेपर्स के बारे में। डेस्कटॉप होता क्या है? जो पहला स्क्रीन कंप्यूटर बूट होने के बाद, कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो पहला स्क्रीन हम लोगों को मिलता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो कहलाता है डेस्कटॉप। और उस डेस्कटॉप की फिगर को अगर हम लोग देखें, ये हमारे डेस्कटॉप का फिगर है। इसमें ये जो पूरा होल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कलरफुल स्क्रीन देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो डेस्कटॉप है इसमें टास्क बार होते हैं, यहाँ पे टाइमर होता है, स्टार्ट बटन होते हैं, वेरियस आइकन्स होते हैं। और इन आइकन्स के पीछे आप जो ब्लू कलर का जो यहाँ पे ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वॉलपेपर। तो ये जो होल स्क्रीन है हमारे स्क्रीन पर, ये जो होल स्क्रीन दिख रहा है, इसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगा होता है उसको हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर्स हम अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, दूसरा वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। हमारे कुछ बहुत सारे वॉलपेपर्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, विंडोज के द्वारा प्रोवाइडेड रहते हैं, उन वॉलपेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम अपने अनुसार कस्टमाइज करके नए वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग वॉलपेपर्स के थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। विंडोज के कंपोनेंट्स में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे शुरू में ही कि हम लोग माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स सारी चीजों को देखेंगे। अगले हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज कंप्यूटर। आज के डेट में हमारा ऑप्शन है कंप्यूटर। पुराने वर्जन में ये माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। ये जो कंप्यूटर ऑप्शन है इसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर के वेरियस स्टोरेज एरियाज, जहां भी हमारा मेमोरी है, मेमोरी में जितने स्टोरेज एरियाज हैं, उन एरियाज पे हम अपनी फाइलों को या अपने फोल्डर्स को ड्राइव के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। उन पे डबल क्लिक करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में 4 ड्राइव्स शो हो रहा है, सी, डी, ई और एफ। ये 4 ड्राइव्स हैं। इन चारों ड्राइव्स में अलग अलग फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड हैं और इनको खोलने के लिए हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनको ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंप्यूटर्स में जाएंगे। कंप्यूटर्स में जाने के बाद वैसा ही एक फिगर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस हार्ड डिस्क के 2 ड्राइव्स हैं, एक सी ड्राइव, एक डी ड्राइव। आप इनके आइकन से समझ सकते हैं कि ये हार्ड ड्राइव्स हैं। यहाँ पे दोनों का आइकन सेम है, ये हार्ड ड्राइव्स के आइकन है। यहाँ पे आइकन अलग है, ये डीवीडी राइटर, ये सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव के ये आइकन्स हैं। तो आइकन से हम लोग पता कर सकते हैं। ये जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क के 2 पार्टीशंस किए हुए हैं। ये जो पहला पार्टीशन है ये 58.4 जीबी का है, दूसरा पार्टीशन है वो 15.9 जीबी का है। इसमें से हमारी जो फाइलें हैं, ये जो ब्लू कलर हमको दिख रहा है, इतनी हमारी फाइलें स्टोर्ड है, और ये जो व्हाइट दिख रहा है ये फ्री स्पेस है। यहाँ पे ये ब्लू फाइल्स की संख्या ज्यादा है और ये व्हाइट स्पेस है।
तो हमको ड्राइव वाइज जैसे ही एक्सेस करना है, सपोज सी ड्राइव में जितनी फाइलें स्टोर्ड हैं हमको देखना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके हम लोग किसी भी फोल्डर, ये जो येलो कलर का आइकन आपको देखने को मिल रहा है, ये येलो कलर का आइकन फोल्डर्स के लिए होता है, ये डिफॉल्ट आइकन है। जहां भी आपको आपके कंप्यूटर में इस तरह का आइकन देखने को मिलता है, आप समझ जाएं कि वो फोल्डर है और उस फोल्डर में दूसरे फोल्डर्स या फाइलें हो सकती हैं। तो उनको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे अगेन डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स हैं और उसके अलावा कुछ फाइलें भी हैं। फाइलों का आइकन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बनाई गई है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई है उसके आधार पर उनके आइकन्स वेरी करते हैं, बट फोल्डर्स का आइकन सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को। यहाँ लेफ्ट पैन में आप देख पा रहे हैं फैब्रिक्स है, जिसके अंदर डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, रिसेंट प्लेसेस, ये लाइब्रेरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस और अगेन यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आपको तीनों ड्राइव्स देखने को मिल रहे हैं। वापस जाने के लिए हम यहाँ पे बैक एरो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके वापस से वैसे स्क्रीन पर आ सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने माई कंप्यूटर को या कहें कंप्यूटर को ओपन करके हम लोग अपने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय ड्राइव्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर क्या है, उसके अंदर कौन सी फाइलें होती हैं, वो हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जो होते हैं, बाय डिफॉल्ट आप यदि किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी फाइल को सेव करते हैं तो सिस्टम का जो प्रेफर्ड लोकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स होता है, या इसको माई डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। पुराने वर्जन के विंडोज में इनको माई डॉक्यूमेंट्स कहा जाता था। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट्स खुल गया। डॉक्यूमेंट्स खुलने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स एरिया में जितनी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आपको दिख जाएंगी, जिनको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनके लिस्टिंग के साथ साथ इनके फाइल, इनके डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, इनके टाइप, इनका साइज, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। इसके बाद है टास्क बार। टास्क बार जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विंडोज। यहाँ पे हम लोग जो है टास्क बार में सबसे नीचे जो हमारा विंडो है उस स्क्रीन में सबसे नीचे जो एरिया है, हॉरिजॉन्टल बार है, उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार में क्लिक करके हम लोग कोई भी ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में हमारा टाइमर होता है। यहाँ पे एक्शन सेंटर का आइकन है, ये हमारा नेटवर्क या इंटरनेट एक्सेस का आइकन है, स्पीकर का आइकन है और कुछ प्रोग्राम्स जो हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं उनका मिनिमाइज्ड आइकन यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्लिक करके उनमें डायरेक्टली नेविगेट भी कर सकते हैं। हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है तो हम लोग डायरेक्टली उस पे नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग टास्क बार। तो टास्क बार में हम लोगों का जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी ऑप्शंस हम लोगों को ओपन करने हैं वो हम लोग टास्क बार के थ्रू, स्टार्ट बटन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट बटन क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि आपको आप देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये राउंड बटन, यही आपको यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ, ये जो स्टार्ट बटन है इसमें क्लिक करके आप वेरियस ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट, जितने भी ऑप्शंस हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का एक ऑप्शन है दैट इज शट डाउन। पिछले हम लोगों ने वीडियो में चर्चा करी थी कि अपने कंप्यूटर को कभी भी हमको डायरेक्टली बंद नहीं करना चाहिए, बंद करने से पहले हमको उसको शट डाउन करना चाहिए। तो शट डाउन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे स्टार्ट बटन से ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख पा रहे हैं कि ये शट डाउन है। इस शट डाउन पे क्लिक करके हम लोग अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जितने एप्लीकेशंस खुले हैं, जितनी हमारी इंटरनल सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी पे, उनको क्लोज करने के लिए हम लोग शट डाउन पे क्लिक करते हैं। कंप्यूटर उन सारी फाइल्स को क्लोज करता है, उसके बाद कंप्यूटर बंद कर सकते हैं हम लोग। शट डाउन के अलावा उसके और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे स्विच यूजर है, यदि आप यूजर बदलना चाहते हैं, कंप्यूटर बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप स्विच यूजर पे जा सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, यूजर को लॉग ऑफ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, हाइबरनेट, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको शट डाउन के साथ यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद है ऑल प्रोग्राम्स। जितनी भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हैं उन सबकी लिस्टिंग होती है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे,
तो आपको देखने को मिलेगा आपके जितने इंस्टॉल्ड प्रोग्राम हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से इंस्टॉल प्रोग्राम हैं, किसी एप्लीकेशन को आपको स्टार्ट करना है। जैसे सपोज मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑफिस में क्लिक करेंगे और इसके बाद उसके वेरियस एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिस भी एप्लीकेशन को मुझे खोलना है मैं उस पर एक बार सिंगल क्लिक करूंगा, वो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑल प्रोग्राम्स है। इसके बाद सर्च बॉक्स, यदि हमारे फाइल हमको नहीं मिल पा रही है, सपोज हमको याद नहीं कि हमने किस स्टोरेज डिवाइस पे उसको सेव किया था, हमारा ड्राइव क्या था, हमारा फोल्डर क्या था, यदि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करके अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सर्च बॉक्स नजर आ रहा है। इस सर्च बॉक्स में जो भी आप टाइप करेंगे उस टाइप करने के बाद उससे रिलेटेड सजेशंस वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड टाइप किया, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या वर्ड पैड, वर्ड से रिलेटेड जो ऑप्शंस यहाँ पे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस तरह से मैं अपनी फाइलों को ढूंढ सकता हूँ और उनको लोकेट करा सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। सर्च बॉक्स के बाद कंट्रोल पैनल, जितनी तरह की सेटिंग्स होती हैं कंप्यूटर में, जितने तरह के सेटिंग्स हैं, कीबोर्ड की सेटिंग हो, माउस की सेटिंग हो, डिस्प्ले की सेटिंग हो, नेटवर्क की सेटिंग हो, फायरवॉल की सेटिंग हो, सारे सेटिंग्स हम लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो है वो जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके स्क्रीन पर आएगा और इस विंडो में वेरियस सेटिंग्स ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप माउस की सेटिंग कर पा रहे हैं, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की सेटिंग कर पा रहे हैं, साउंड की सेटिंग कर पा रहे हैं, विंडोज अपडेट है इसके अंदर, यूजर अकाउंट्स हैं, फायरवॉल है, रीजनल सेटिंग्स है, रिकवरी है, माउस की सेटिंग है, ये सारे सेटिंग्स आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और ये सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग्स हैं, वेरियस सेटिंग्स आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इनको चेंज करने के लिए। आशा करता हूँ कि जो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की वो आपको समझ में आई होंगी। सो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के जरिए आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोस में और विंडोज 7 के वेरियस ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।